शाम तक रुके हुए, हमारे कोई टेंशन मतलब नहीं चीज का। नहीं हमारे को काम होना भाई, हमको इसके अलावा कुछ नहीं होना, हमारा काम का मसला है, हम काम का रख दो भाई। अरे सर जादू जी, सर ये जो मैटर है ना, एक ते छह गली है, एक ते नौ गली है पूरी, और एक ते छह गली है, और कलकड़ी जी विनती, ये बहुत सीरियस मैटर है सर, ये बहुत सबसे पुराना एरिया है, और पुराने एरिया में ही जो तो डीनीज रोड लाइट नहीं है और पानी नहीं है, नल की सुविधा नहीं है, तो फिर वो क्या है, वो एरिया को अपन भेदभाव कर रहे हैं, समझ में आ रहा है। पानी का नहीं है तुम्हारे पास, हम पानी ला रही किधर से, रोड टीनिस भी कर दिया, हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात हो गई साहब। हाँ आपको हम अभी हम जो है आपको सिर्फ निवेदन देने को कम से कम 100 लोग आए हुए हैं, और फिर हमारा कभी हमारा अगर आप काम नहीं करेंगे तो हम इतने लोगों की तादाद में आएंगे आपके निरादेश आंदोलन लेके, हो जाएंगे ना साहब। ठीक है ठीक है, आप कब हमको टाइम देंगे साहब वार्ड में आने के लिए, कि हमने खटरना वार्ड में आके। ठीक है आइए आप, और हमारा जल्द जल्द काम करो, मेहरबानी करके कई चीज बनती है सर तुम्हारा। ओके शाम तक रुके हुए, हमारे कोई टेंशन मतलब नहीं चीज का। नहीं हमारे को काम होना भाई, हमको इसके अलावा कुछ नहीं होना, हमारा काम का मसला है, हम काम का रख दो भाई। चलो आ रहा हूँ, हाँ इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारा, आ रहा हूँ। एक से लेके नौ तक गली, और वो गली के अंदर जो है ना छेद ही काम हुआ। अब ये कैसा हुआ, ये मानिक नगर एरिया का, कि इधर से जो तो आहुले नगर से इधर से जो गोकुल मंदिर, ये दोनों के कॉम्बिनेशन में ये लावारिस पड़ गया। अभी ध्यान रखो, कम से कम ये नगर सेवक नहीं है आज, तो महानगर पालिका में आज कोई प्रतिनिधि नहीं है, लेकिन महानगर प्रशासन से हमारी उम्मीद है, महानगर पालिका से, कि वो जल्द से जल्द जो उसके ऊपर कार्रवाई हो, और वहां का स्टूडेंट बनाकर जल्द से वहां डीनीस रोड और लाइट की समस्या का, स्ट्रीट लाइट की समस्या का निवारण। अब हम क्या है, सब रोज के हाथ में लगे जिंदगी इंजीनियर लोग है, हॉस्पिटल लोग है, लेकिन आज खास तौर पर लोगों ने हद कर लिए, अपना जो संविधानिक अधिकार है अपने को मानने से नहीं मिल रहा, उसको अपने छीन लिया। लोकशाही मार्ग से हम रोड को उतरेंगे, ये हमारी समस्या का निवारण करके दो। आज हम 50-100 लोगों की तादाद में लोग यहाँ आए हैं, लेकिन अब आने वाले वक्त में 50-100 से नहीं आएंगे, या सैकड़ों की तादाद में हम लोग यहाँ आए। अब ठीक है, अब हम वहां पर ऐसा नहीं है कि हमको महानगर पालिका की टैक्स भी लगे हुए, हम महानगर पालिका की टैक्स भी भरते नहीं, इधर आए, ये सबसे बड़ा पुराना एरिया है, ये जो मानिक नगर, राजेंद्र नगर, भाट नगर, ये नगर की एरिया का साथ का एरिया है, अरे एरिया को बस कम से कम सब 40 साल हो गए, कुछ भी नहीं है। आप अगर वहां आइए ना सर्वे करने के लिए, तो आप समझेंगे कि वाकई में आप जो बोल रहे हो, जो आप कदर के इतने लोग रोड पे आए ना, तो सही है, बिल्कुल सही तरीके से। अब हम महानगर पालिका को जो है, तो महानगर पालिका पर हम टैक्स भी भरा था, अब कुछ लोग नहीं भरते, उस पर हम निकल पैसे। ठीक है, हम आपके प्रशासन को, महानगर पालिका प्रशासन को, हम जो टैक्स पा देना, जो टैक्स वसूल करने का देना, हम उनको कॉपरेट करते हैं, एमबीसीबी के लोग लाइट भी भरने लाते, उनको हम कॉपरेट करते, मतलब हर चीज, हर तरीके से प्रशासन को, शासन को हम मदद करते, और हमारे सब ऐसा मी नारेगावची मानिक नगरची समस्या आहे, 30-35 वर्षापासून वाबत आहे, बोला नहीं, इधर वार्ड अधिकारी भी नहीं है, और वार्ड इंजीनियर भी नहीं है, वार्ड इंजीनियर भी नहीं, यहाँ पे वार्ड अधिकारी मैडम भी नहीं है। हाउ
ठीक हाँ ठीक है जाओ को निरीक्षण कौन देना वाला सुनील जी जाधव साहेब यांच्याकडे आहे आणि मॅडम कडे आहे झोन क्रमांक 5 मध्ये नारेगाव हा मानिक नगरची एरियाची समस्या अशी आहे का मानिक नारेगाव मध्ये 30-35 वर्षापासून हा एरिया बसलेला आहे आणि 1 नंबर ते 6 नंबर पर्यंत गल्लीचं काम झालेलं आहे 7 आणि 8 आणि 9 हा एरिया सोडलेला आहे कामचा डिनीचा रोडचा स्ट्रीट लाईटचा आणि पाणीचा म्हणजे हा तुझा यावर काय आला कसे मुलं म्हणजे आमच्या सोबत तिथं भेदभाव होत आहे त्या जागेवर नगरसेवक इकडून बी आहे नगरसेवकचे पद संपलेले आहे आम्हाला कोणाची घेणं नाही आमची वार्ड आमची मूलभूत सुविधा आहे डिनीज रोड लाईट आणि आम्ही तिथं टॅक्स पण भरतो महानगरपालिका त्या जागेचा आम्ही कमीत कमी 22 ते 25 वर्षापासून टॅक्स पण भरतो मग आम्हाला आमच्यासोबत असं कशाला यामुळं वस्तीतले सर्व लोक इथं आलेले आहे आमचं जर लवकर लवकर काम कधी नाही झालं तर वंचित बहुजन आघाडीच्या माध्यमातून हा मोठा आंदोलन छेडण्यात येईल शेकडोच्या कार्यकर्त्यांवर आणि त्यामध्ये कधी ऊसनीच कोणाचं होईल ते जिम्मेदार महानगरपालिका राहील त्यामुळं आम्ही आलेलो आहे तुमच्याकडं आता इथं वार्ड अधिकारी बी नाही आहे वार्ड इंजिनियर बी नाही हो तुमचा फोन लावा आमचा फोन तर उचलतच नाही आणि इथं कॅमेरे बिमेरे असतील पण त्याला माहिती आहे त्या इथे 50-100 लोक आलेले आहे जाधव साहेब आदाब सर सर अफसर बटन बोल रहा हूँ नारेगाव से सर आपके पास में पहुंचने का आपको फोन मार रहा हूँ आपके पास आ रहा हूँ लेकिन आपने फोन मेरा रिसीव ही नहीं करे सुनिए ना सर नारेगाव में मानिक नगर के लिए 1 से 6 नंबर गली तक गली बनी हुई है रोड डिनिस लाइन पानी लाइट स्ट्रीट लाइट और 6 और 7 और 8 और 9 ये गली वैसी बेवारी जैसी पड़ी हुई लावारी जैसी तो फिर हमने क्या करना चाहिए सब बस्ती के लोग आए हुए हैं साथ में 100-150 लोग तो हम आपको निवेदन देने को आए थे आप हमारे पास से यहाँ आकर निवेदन लीजिए तो हम हेड ऑफिस जाते साहब मैं तुम्हारे पास निवेदन तुम्हारे नाम से निवेदन निकाले हमने आपको देने का है पहले फिर वार्ड अधिकारी मैडम को फिर महानगर पालिका को भेजो किसको भेजने का भेजो आज जो है तो हम 4/11/2022 महानगर पालिका झोन 5 में आए हुए क्योंकि नारेगांव के अंदर जो है तो जो पुरानी बस्ती नारेगांव के अंदर सबसे माने जाने वाली बस्ती जो है तो मानिक नगर का एरिया जिसमें गल्ला है 1 से 9 गल्ला है और 1 से 9 गल्ले के अंदर जो है तो एक गली से लेकर तो 6 गल्ले तक काम हुआ लेकिन वो काम होने के बाद 6 गल्ले तक हुआ लेकिन 7, 8 और 9 ये गली कई सालों से वैसी पड़ी हुई है लेकिन लोग आज हूँगा कल हूँगा भाई यहाँ तक काम आया आपने यहाँ तक काम हुआ या डिनिस की रोड की स्ट्रीट लाइट की और पानी की बहुत परेशानी है ये पुराना एरिया है और ये पुराना एरिया रहने की वजह से यहाँ पर टैक्स जो है महानगर पालिका के अंदर लोग टैक्स भी भरते हैं इसके अंदर से और वहाँ पर जो है तो घर पट्टी नल पट्टी भी भरते लोग लेकिन मेरे को एक बात महानगर पालिका के एक समझ में नहीं आता कि महानगर पालिका ने जो नगर सेवकों के जो मेरा एरिया ये नहीं आता तेरा एरिया वो आता तेरा एरिया ये नहीं आता ये नगर सेवकों को के एक में के ऊपर आरोप रखने के ऊपर से ये काम रुका हुआ था लेकिन महानगर पालिका प्रशासन को आज हम ये निवेदन देने आए कि भाई महानगर पालिका ने वहाँ पर आकर जल्द से जल्द 8 दिनों के अंदर स्टेटमेंट बनाकर वहाँ का वर्कआउट नहीं किया गया तो यहाँ पर हम सिर्फ आज 100-125 लोग आए यहाँ पर महानगर पालिका में निवेदन देने के लिए हम यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में अगर हमारा काम ये 8 दिन के अंदर वहाँ की समस्या का निवारण नहीं हुआ तो 8 दिन के बाद यहाँ हम महानगर पालिका में बहुत बड़ा आंदोलन कर आएंगे आंदोलन कैसा रहेगा आंदोलन के क्या रूप रहेगा आंदोलन का रूप रहेगा कि डफली बजाओ आंदोलन हम करेंगे यहाँ ढोल बजाओ आंदोलन करेंगे यहाँ पर यह आंदोलन का एक मूद ये मूद रहेगा कि यहाँ पर महानगर पालिका ने बहुत से आंदोलन देखे होंगे लेकिन ऐसा आंदोलन कभी नहीं देखी होंगी इसमें मेरी माँ बहने मेरे भाई दोस्त बुजुर्ग सभी लोग बस्ती के यहाँ पर उठ के आएंगे और यहाँ बजेंगे ढोल बजा कर यहाँ पर महानगर पालिका नहीं करी तो हम यहाँ पर महानगर पालिका को क्लूप लगाने की भी ताकत रखते हैं इस तरीके से वंचित बहुजन आघाड़ी के मार्गदर्शन
नीचे अमोजित भोजन आगे बैनर के नीचे हम ये आंदोलन लेकर आने वाले हैं। महानगर पालिका ने जल्दी सावध होना, और ये जो हमारा मसला है मानिक नगर के अंदर गली नंबर 7, 8 और 9 का, डीनिस का, रोड का, लाइट का, पानी का और नल का और स्ट्रिक लाइट का, ये करके देना। हम ये महानगर पालिका को निवेदन देने आज आए थे, हमने यहाँ निवेदन दिए है। वार्ड अधिकारी को, वार्ड के जो जिम्मेदार है, वार्ड के जिम्मेदारों को भी निवेदन दिए। वार्ड अधिकारी ने बोले हमको, अभी वार्ड इंजीनियर ने बोले कि हम जो है कल परसों वहाँ पर आएंगे, वहाँ का स्टेटमेंट बनाएंगे, वहाँ के हम जो है तुमको डीनिज की और रोड की समस्या, स्ट्रीट लाइट की समस्या का निवारण करके देंगे, ये हमको आश्वासन दिए। और हमने उनको ये बोले, अब ये फाइल जो है तुम, हमारे भाई ने बोले, मुश्ताक भाई ने, ये फाइल जो है अब तुम उठा के कचरे में मत डालो, इसको डब्बे में मत डालो। अभी तक हमने तुमको बर्दाश्त कर लिया, हमारा अधिकार अगर हमको मांगने से नहीं मिलेगा तो हम छीन कर लेंगे और लोकशाही मार्ग से लेंगे। मेरा नाम अफसर अब्दुल पठान, मैं वंचित बहुजन आघाड़ी युवा शहर अध्यक्ष।